हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते अपनी वीडियो की शुरुआत। तो काफ़ी समय के बाद और अभी मॉर्निंग टाइम है। अनिका यहाँ पे सो के उठ चुकी है। कपड़े जो है इसने दूसरे पहनने हैं अपनी मर्जी से। कलर वाला बनियान चाहिए था इसे। मैं कह रही कलर वाला चाहिए मुझे, कलर वाले बनियान को। और जी अभी यहाँ पे देखो मुनाखे का पैकेट जो है पूरा का पूरा लेके बैठी हुई है। और मुनाखे जो है इसे पसंद है बहुत ज़्यादा, तो खा भी रही है। मैं भी खा लूँ बेटा, आप ऐसे ही ना ख़राब ना करो। हाँ और लो पन्नी मेरा को लो, पन्नी मेरा को लो बेटा, ख़राब हो जाएगा फिर ये लो। और अभी मुनक्खे खा रही है ये, तो थोड़े से ये है कि यहाँ बच्चा कुछ भी खाओ जाए खा लेना चाहिए। और अभी यहाँ पे जो है काम वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। मम्मी जो है हैरे में रख रही है दूध, उधर जला दिया गया है इसमें देखो हैरे में गुस्से। और जी थोड़ा ऐसा करते हैं ये आग जलाने के लिए, मतलब कि पहले तो मिट्टी का तेल होता था, अभी पन्नी वगैरह होती है ना जो कागज़ वगैरह होते हैं उससे जला देते हैं। और फिर दोपहर के खाने की करेंगे तैयारी। अभी जो है नाश्ता सभी का हो गया है। अनिका के पापा अपनी ड्यूटी गए हुए हैं, मैं अभी मुजफ्फरनगर कल गए थे सुबह ही, और परसों भी गए थे, वैसे परसों शाम के टाइम आ गए थे, कल भी गए हैं। और जी अभी बस मम्मी यहाँ पे थोड़े से मटन निकाल रही है फिर दोपहर के खाने के लिए। सब इसलिए निकाल रही मेरे पे नीचे बैठा, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, मतलब कि घुटनों में दिक्कत रहती है ना, तो मम्मी पे नीचे बैठ के उठा नहीं जाता, तो इस वजह से हाथ पे बैठ के निकालती है, मतलब कि जो कुछ काम करते हैं, मतलब कि खाना वाना भी खाते हैं तो हाथ पे बैठ के ही खा लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो एक मजबूरी है। और अभी इधर भी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर मम्मी पापा का बिस्तरा और इधर दरबार। हमारे घर में अभी थोड़े से 7-8 दिन में पूजा हुई आज पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगी ऐसे ऐसे हो गया था ना, तो सूतक की वजह से जब तक तेरवी वगैरह नहीं होती हमारे यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती। देखो अपना दरबार भी जो है पूजा का कमरा होता है वो बंद रहता है। तो चलिए जी अभी अपना काम करते हैं और बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, कर देते हैं अपना काम। हाँ जी झाड़ू लगा रही, झाड़ू तो हमने लगा दी थी, सूख जगह आयो। चले कपड़े उतारो लड्डू, चलो कपड़े उतारो, ये कपड़े उतारो, चलो उतारो उतारो जल्दी। हाँ कूद के खाट पर रख दो। हाँ उतारो कूद के, गम हो रही गम, चलो उतार दिया हमने, हट जाओ गर्म हो रही धरती। ये भी उतार लो सारे, पोनी पे लेके जमने आ। गाइस अभी यहाँ पे हम लग चुके हैं काम में, माँ बेटी दोनों, और हम यहाँ पे कर रहे हैं गुस्से इकट्ठे। एक जगह जो में लगे हुए हैं बलाई लगी हुई है उन्हें उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था तो हमने सोचा कि भाई चलो इन्हें उपलों को छाँव में रख देते हैं। और ये टीन के नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बारिश वगैरह आएगी तो गिल्ले नहीं होने के। और यहाँ पे एक जगह साइड में लगाते हैं, हर साल लगाते हैं हम, आपको पता ही है, ये उपले वगैरह एक साइड में लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा पथवारा वगैरह नहीं है किसी का। अर्णिका भी हमारी हेल्प करा रही है, अर्णिका पहले बड़े बड़े गुस्से उठा के लेके आ रही थी तो इसे मतलब कि भारी लगा, फिर उन्होंने कह रही मम्मी बहुत भारी है उठनी रहा, तो फिर छोटे छोटे टुकड़े थे ना टूटे थे गुस्से मैं लेके आ रही थी, मतलब कि जब तक मैं लगी रही तब तक ये भी लगी रही कुछ ना कुछ करने में। और देखो बेटियाँ छोटी हो चाहे बड़ी हो काम कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और बेटियाँ तो ऐसी होती है कि छोटी छोटी सी ही बहुत ज़्यादा काम करने लगती हैं। अभी अर्णिका भी बहुत काम करने लगी है, मतलब कि कुछ बर्तन वगैरह ला के देना, खाना देना अपने बब्बा जी और को, अपने पापा को मैं लगा के दे दूँ थाली में तो दे आते हैं ये खाना, बब्बा जी लोग खाना, पापा लोग खाना, सभी को देते हैं वैसे। अगर कोई खाना खा रहा तो रोटी दे दूँ प्लेट में लगा के, तो ऐसे देती हैं। और अभी भी देखो काम करा रही है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, मतलब कि फिरती ही रही ऐसे जब तक मैंने ये काम किया। और काफ़ी देर लगी हमें यहाँ पे, मैंने सारे गुस्से ढोए हैं और फिर मम्मी ने इनकी बुलाई लगाई, क्योंकि मम्मी से तो फिर जब तक मम्मी बोल रही कि तुम मुझे ऐसे ला के दो तो मैं बैठे बैठे लगा दूँगी यहाँ पे, तो अभी मम्मी ने काफ़ी सारी बुलाई जो है लगा दी है। और
गाइस अभी जो है शाम का टाइम हुआ है, शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी हमारी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में दोपहर के टाइम हमने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, वैसे तो रखी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अन्निका के पापा जो है आने लग रहे अभी। और वही देखो सब्जी वगैरह तो उन्हें चाहिएगी, और अन्निका यहाँ पे अभी टमाटर खा रही है। तो है क्या खा रहे टमाटर? हाँ अभी मैं टमाटर काट रही थी ना, तो इसे टमाटर चाहिए, इन्होंने कहा मम्मी ये वाला काफ़ी सारे पीसे जिसने निकाल दिए उसमें से, क्या ये वाला देखो। और इसके टमाटर जो है इसके फेवरेट है, और खीरे भी। और मम्मी इधर लेट रही है अंडिका के साथ थी, क्योंकि इसे यहाँ पे लारा लगा रखी है, अगर मैं सब्जी छोंकूंगी ना वहाँ पे है तो इसे सीटी लगा ना कुकर में, तो जब भी रोने लगा इसे डर लगा वहाँ पे। देखो मेरे चक्कर काटती रहेगी, चारों ओर में घूमती रहेगी। कहाँ गए थे आप? और अनाया के साथ खेलती रहे उधर ही है। चलो मैं तो किचन में जा रही, खाना बना लूँ। और नु कह रही ये मेरी मम्मी सब भी बनाएगी, ये है क्या कहते पूरी कूद रही, इनका मम्मी, इनका मेरी मम्मी सब भी बनाएगी, ये मेरी मम्मी सब भी बनाएगी है। और बब्बा जी के पास गए थे ना आप खेलने के लिए, तो चलिए जी अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी। सिर्फ खाली सोयाबीन बनाएंगे और आलू तो नहीं डालेंगे इसमें। इधर टमाटर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है, सोयाबीन भी मैंने भिगो के रखी हुई है, इनका पानी निचोड़ के और फिर इन्हें कर लेंगे, पहले घी में फ्राई करेंगे इन्हें, तो जब अच्छी लगेगी। अभी हमने यहाँ पे डाल लिया है कढ़ाई में घी, देसी घी, और सोयाबीन हमने भिगो के रखी हुई थी, सोयाबीन अच्छी तरह फूल चुकी है ये देखिए, और इसे अभी घी में फ्राई कर लेंगे और फिर छोंक लेंगे सब्जी। तो पहले इसे इन्हें फ्राई करेंगे ऐसे ही घी में, फ्राई करने के बाद ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है सब्जी में, तो इन्हें ऐसे ही पहले फ्राई करते रहेंगे और फिर इनकी सब्जी बनाएंगे। और ऐसे ही ना हम पता क्या करें, जैसे भिगो कर रख लिया हमने और इसमें हल्का सा नमक डाल के मिर्च डाल के और ऐसे ही फ्राई करके खा लिया ना, वे भी बहुत टेस्टी लगे। देखो ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, कुरकुरी नहीं करेंगे, ज़्यादा हल्की फुल्की से फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करने के, क्योंकि फिर मतलब कि टाइट हो जाए, कैडी हो जाएगी तो मैं अच्छी नहीं लग रही सब्जी में, नरम नरम सी अच्छी लगेगी। सोयाबीन जो है फ्राई हो चुकी है, अभी इन्हें निकाल के रख देंगे अलग से, ज़्यादा नहीं करी हमने, हल्की सी करी, और फिर अभी इसमें डाल देंगे तेल। अभी कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, तो फिर इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी इसमें डाल देते हैं जीरा, तेल जो है गरम हो चुका है, जीरा भून चुका है, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट, और इसे भी टमाटर को पका लेंगे, इसमें डाल देंगे सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया और नमक, तो थोड़ा इसमें डाल देंगे मसाला, अभी पक जाएगा ये। तो जी अभी बस इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब इसमें हल्का सा पानी डाल के फिर इसमें डाल देंगे सोयाबीन पकने के लिए, पहले इसे ग्रेवी को पकाएंगे। हमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी और ऊपर से डाल देते हैं इसमें सोयाबीन ये सभी, और इसे अभी पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और जी बस सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। यहाँ पे अभी सोयाबीन की सब्जी बनके हो गई है तैयार, हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, तो आइए और आप भी खाइए हमारे साथ सोयाबीन की सब्जी। तो गाइस अभी रात का टाइम है, अर्णिका यहाँ पे अभी लेट रही है मेरे पास, और अभी 10:30 बज चुके हैं, ये नहीं सोई है, इसके पापा सो चुके हैं इधर बैठ के ये रहे। और जी अभी मैं और अन्निका लेट रही खाट पे है, चलो सभी गुड नाइट बोलो, राधे राधे बोलो, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, गुड नाइट, गुड नाइट।